नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रणबीर कपूर के बारे में। देखा जाए दोस्तों, रणबीर कपूर आज सुबह से ही ट्रेंड कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि उनकी आने वाली मूवी एनिमल्स का कुछ ना कुछ आने वाला है, चाहे वो टीज़र आए चाहे वो कोई पोस्टर आए, ऐसा कुछ आ सकता है। तो दोस्तों, हम जानेंगे इस वीडियो में आखिर रणबीर कपूर क्यों आज सुबह से ट्रेंड कर रहे हैं और क्या वाकई में उनका एनिमल्स का कोई टीज़र या ट्रेलर आने वाला है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखा जाए दोस्तों, रणबीर कपूर आए ना आए दिन ट्रेंड होते रहते हैं, लेकिन वो आज इसलिए ट्रेंड हो रहे हैं क्योंकि उनकी जो मूवी थी ये जवानी है दीवानी, उसको 10 साल पूरे हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी सन 2013 को रिलीज़ हुई थी और इस मूवी का बजट था 40 करोड़ रुपए और देखा जाए इसने इंडिया के अंदर कमाए थे 190 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड के मामले में इस मूवी ने कमाए थे 320 करोड़ रुपए और ये इनके कैरियर की दूसरी मूवी थी जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट मूवी बनी थी, जिसके चलते जो रणबीर कपूर के फैंस हैं वो आज इस मूवी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और रणबीर कपूर को बधाई दे रहे हैं। और वहीं दोस्तों, इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर के सामने आई। अगर हम मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये भी बताया जा रहा है कि उनकी मूवी जो एनिमल्स है इसका टीज़र 23 या 24 जून को आ सकता है और देखा जाए उनकी ये मूवी 11 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, जिसके पास बहुत बड़ा वीकेंड है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि 15 अगस्त भी साथ में पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि इस मूवी के सामने उतर रही है गदर 2 मूवी। जी हाँ, और गदर 2 के मेकर्स ने तो साफ कह दिया है कि मैं अपनी मूवी की आगे की रिलीज डेट नहीं बढ़ाऊँगा, जिसको सामने से हटना है हट जाए। यानी कि गदर 2 फुल फॉर्म में तैयार है, ये मूवी 11 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि इन दोनों मूवी में से कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेंगी। वैसे आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और वहीं देखा जाए दोस्तों, टीज़र को लेकर के ये बताया जा रहा है, जो बहुत बड़े मीडिया कर्मी हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट निकल कर के आ रही है कि इस मूवी का टीज़र है वो आएगा 23 या 24 जून को। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए मई पूरा हो चुका है, अब जून लगने वाला है, यानी कल से जून लग जाएगा। तो जून जुलाई अगस्त, यानी कि अगस्त में ये मूवी आ रही है और इसके 2 महीने पहले ही इस मूवी का हम लोग टीज़र या ट्रेलर देख सकते हैं 23 या 24 जून तक। तो वैसे आगने वाले समय में पता चलेगा कि इस मूवी का टीज़र कब आ रहा है, लेकिन इस मूवी से जुड़ी कोई भी जानकारी निकल करके सामने आएगी तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।